हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोरी। और आपको है एक पॉजिटिव नमस्कार और एक पॉजिटिव न्यूज़ भी कि गदर ने एक अच्छा सा रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 500 करोड़ रुपए में एंटर करने वाली जो फिल्में हैं, फॉर एग्जांपल पठान, उसने 29 दिन के अंदर ये कारनामा किया था। बाहुबली 2 ने 34 डेज के अंदर ये कारनामा किया था। और आज की डेट के अंदर गदर 2 का जो टोटल हो चुका है वो है 456 करोड़ रुपीज़, यानी कि 450 करोड़ रुपये। एक बहुत ही आइकॉनिक नंबर होता है, उसको क्रॉस कर लिया है गदर 2 ने। बट अगर इफ यू लुक बैक कि 450 का जो टारगेट है ये पहले किसने कवर किया था, तो वो कवर हुआ था पठान के द्वारा। उसने किया था डे 18th वाले दिन, यानी 18 दिन लगे थे उसको। और बाहुबली 2 ने किया था 20वें दिन, तो गदर 2 ने किया है 17वें दिन। तो जितने भी लोग हैं जो गदर 2 को बहुत प्यार दे रहे हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उनकी गदर जो है वो 17वें दिन की ये मैजिकल फिगर को अचीव कर पाई, 456 करोड़ रुपीज़। ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ ये हिंदी कलेक्शन की बातें कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से काफ़ी बड़े बड़े अचीवमेंट जिसके आगे पड़े हुए हैं। बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ना है, बाहुबली 2 का 511, फिर उसके बाद पठान 524.5 है, 525 रफली। तो उसकी मंजिल तो अभी थोड़ी दूर है, उसके लिए अभी इसको लगभग लगभग 70 करोड़ रुपये और लाने होंगे। आ सकते हैं फॉर श्योर। लेकिन बीच में सबसे बड़ी चीज़ तो खुद शाहरुख खान ही है इसके अंदर, क्योंकि उसकी जवान आ रही है और जब उसकी जवान आएगी तो फिर काफ़ी सारे स्क्रीन उसको मिलेंगे। बट अगर इसी पेस पर चलता रहा, जैसे 16 करोड़ रुपया जिसने किया है 17वें दिन, तो इतने भी स्क्रीन्स कम नहीं होंगे मेरे ख्याल से। फिर भी ये 1500-1600 स्क्रीन्स के ऊपर टिकी रहेगी, और जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बाहुबली 2 तो फॉर श्योर, बट उस बाहुबली 2 को तो मेरे को लग रहा है, लेकिन पठान का थोड़ा सा मुझे अभी एट दिस मोमेंट लग रहा है थोड़ा डाइसी है। उसके लिए एक और सैटरडे संडे में बड़ी जंप की ज़रूरत होगी, ठीक है जी। और अगर रिकॉर्ड टूटेगा तो अच्छी बात है, फिर उसके बाद जवान तोड़े या फिर सलार तोड़े या फिर कोई और इंडियन मूवी तोड़े, ठीक है जी। जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।